एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है ट्यूसडे और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं 9:30। तो अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे जाना है किचन में। तो मैंने सोचा किचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर देती हूँ। हाँ, तो किचन में जाने से पहले मुझे भगवान को दिया अगरबत्ती लगाना है, पूजा देना है, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ भगवान के पास। पूजा देने के बाद फिर जाऊँगी किचन में। और इधर देखो मून क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। वो ना क्या करते पता है, जब मोबाइल देखते ना तो मोबाइल देखते देखते जब देखते कोई नहीं है उसके आजू बाजू में, तब जाके किसी को कॉल लगा देते हैं। हाँ, और अभी ना जब मैं पूजा देती हूँ वो बहुत डर जाते हैं ये शंख की आवाज़ से, देखो। तो इसके बाद मैं और नहीं बजाऊँगी शंख, बच्चा पहले है उसके बाद भगवान को शंख बजाना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं मून। तो चलो अभी जाती हूँ किचन में, फिर किचन में पहले मून के लिए खिचड़ी बनाऊँगी। पानी वगैरह भर लेती हूँ पहले, ये जो हंडी है ना इसके अंदर मैं एक साथ पानी भर के रख देती हूँ, जिसमें चावल बना लेती हूँ और जो सब्जी बनाती हूँ वो भी बना लेती हूँ एकदम से। और अभी जो है ना, जब से मैं आई हूँ इधर तब से देख रही हूँ कि 24 आवर्स ही पानी रहते हैं। पहले पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि पहले से ही पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे इस फ्लैट में, पर अभी जो है ना पूरा पानी आते हैं पूरा दिन तक, कितना अच्छे है ना। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। हाँ, तो ये देखो अभी मून के लिए बनाऊंगी खिचड़ी, इसके लिए कुकर में निकाल रही हूँ। और इधर है जो क्या बोलते हैं कद्दू, हाँ कद्दू है, आलू है और कैरेट है, ये तीनों सब्जी मैं डालती हूँ मून की खिचड़ी में। और मसूर का दाल डाल देती हूँ, बस मून को कुछ चाहिए था शायद इसीलिए मैं उधर गई थी, या फिर अच्छा टीवी में ऐड आ गई थी तो उसको स्किप करने के लिए गई थी, मून को दिखना था इसीलिए। तो चलो अभी आने के बाद उसका सब्जी पहले कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मून का खिचड़ी बनाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, साइड में बन रही है मून का खिचड़ी और इस साइड में मैं बनाऊंगी अभी हम दोनों के लिए मैगी। तो मून का पापा अभी नहा रहा था, इसके लिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी बनने वाला बस मैगी ही है। और यहाँ पर मैंने फ़िश जो है उसको पानी के अंदर भिगो के रखी हूँ, इल्शा फ़िश है, इसका भी आज रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो पहले मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद खा लेती हूँ, फिर मैं शेयर करूँगी। हाँ, तो अभी ना फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने मैगी बनाने के बाद तुरंत मैं और मून दोनों मिलके खा रही थी। मून तो थोड़ा सा भी नहीं खाएगी, बस एकदम इधर उधर करके फेंकेगी सब कुछ। और मून कितना दुगली हो चुकी है देखा ना, पर मैं 2 हफ्ते के अंदर उसका पहले वाला जो बॉडी था वो लेके आने की कोशिश करूँगी, पता नहीं होगा कि नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे भी एकदम अच्छा नहीं लगता है मून को ऐसे देखना, और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगी ना, मून कितना दुगली हो चुकी है। तो चलो थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, अभी जो है दोपहर के टाइम हो रहे हैं, मून अभी तक सोए नहीं है और मेरा सारे काम जो है सुबह का जो सारे काम था कंप्लीट हो चुकी है। बर्तन था थोड़ा सा, वो सब कुछ मैं धुल के रख दिया इधर। और इस साइड में मैंने इल्शा फिश जो है कल लेके आया था उसको भी मैरिनेट करके रख दिया नमक हल्दी और मस्टर्ड ऑयल से। और इसको मैं ऐसे ही फ्राई नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही बनाऊँगी, कच्चा फिश को ऐसे बना लूँगी। और ये है क्या बोलते हैं इसको, सरसों और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया।
तो सब लोग बोलते हैं कि सरसों जो है वो ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे कड़वा हो जाती है। तो मैं तो ऐसे, मेरे सास जो है ना वो ऐसे तेल को ऊपर अच्छे से फ्राई करके फिर पानी देके फिर बनाती है, तो मैं बनते हैं देखती हूँ। उसके पहले भी मैं बनाई हूँ पर कड़वा नहीं हुआ था, पर आज भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और मून इधर देख रहे हैं डायना रोमा, जो कि मून को अभी वही चीज़ अच्छा लगती है, पहले उसको मार्शा अच्छा लगता था, लगती थी मार्शा जो है ना, मार्शा द बियर वो अच्छा लगती थी, और अभी जो है उसको अच्छी लगती है डायना एंड रोमा ये वाला। तो वो ऐसे दिखते रहेगा और मैं जाके बना लूँगी, और एक ही बस फिश ही बनाऊँगी और राइस, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, तो बस फिश और राइस ही बनाऊँगी इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो चलो बना लेती हूँ। पहले चावल जो है ना बहुत दिन से ऐसे बंद पड़ा था, तो उसमें ना कीड़ा लग गया है, तो चावल को अच्छे से धोना पड़ेगी, धो के फिर बनाना पड़ेगी। ये देखो चावल को मैंने भिगो के रखी थी सुबह ही, इसको अच्छे से धोना पड़ेगी नहीं तो कीड़ा एकदम ऊपर से ऊपर से ये हो रहेगा। क्या हुआ? तो चावल जो है ना बहुत दिनों से बंद था ना, इसके लिए शायद थोड़ा सा ही चावल बचा था, तो इसमें ना वो ब्लैक कलर का कीड़ा रहते हैं ना वो हो गया था, और कैसे लगते हैं ना इसके लिए इसको बहुत बार धोना पड़ा था मुझे। तो आज होने के बाद रात तक हो जाएगा फिर ये ख़त्म हो जाएगा, एकदम थोड़ा सा ही बचा था पर उसको फेंक दूँ क्या, इसके लिए बस मैं धो के इसको यूज़ करूँगी। और देखो अभी पूरा क्लीन हो गया है, तो चलो राइस भी बना लूँगी, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है फ़िश भी एक साथ ही बना लूँगी, और मैं शेयर भी कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इतना तो अच्छा मैं कुक नहीं करती हूँ, पर जितना भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ अच्छा हो बुरा हो शेयर करने में क्या, हाँ ना। तो इसमें मैंने लिया है सरसों का पेस्ट लिया, उसके अंदर ग्रीन चिली ले लिया, नमक लिया, हल्दी लिया और जीरा का पाउडर ले लिया, तो एक पेस्ट बना ले। उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, फिर जीरा चौक में लगाई हूँ, और ये जो पेस्ट मैंने बनाई थी वो भी डाल दूँगी कुछ टाइम बाद, जब तक ये जो जीरा है ये थोड़ा सा ये हो जाए उसके बाद, तो मैंने डाल दिया। अभी इसको फ्राई करूँगी, और इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर तो अदरक वगैरह कुछ नहीं है ना, तो हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद थोड़ा सा उबल आएगी तो मैं इसमें जो फ़िश है ना उसको मैं मैरिनेट करके रखी थी नमक हल्दी से, तो वही फ़िश में डाल दूँगी। डालने के बाद ही मैं इसका जो फ्लेम है ना इसको मीडियम करके ढक दूँगी, और फिर इधर उधर करके पलट दूँगी, तो ये फ़िश जो है ठीक ठाक से बन जाएगी। तो ये देखो फिश में मैंने डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद सॉरी ये ग्रेवी जो है, तो इसके बाद थोड़ा सा उबाल आ चुकी थी, तो मैंने ये जो फ़िश है इसको भी डाल दिया, और इसको मैं फ्राई नहीं की हूँ, ये एक अच्छा वाला फ़िश है, क्योंकि इल्शा फिश बहुत सॉफ्ट होते हैं ना तो जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं। तो चलो ढक दिया मैंने, इसके बाद इसको थोड़ा टाइम पकाते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ मैं। तो फाइनली मैंने फ़िश को चढ़ा दिया, फिश बस 10-15 मिनट के अंदर बन जाएगा, और इस टाइप में राइस भी बन जाएगा। और ये देखो मून आ गया, कितने दिनों बाद मून आपसे अच्छे से मिल रही है ना, तुम तो घर जाने के बाद सबको भूल ही गए, सब तो वैसे ही बोल रहे थे कि तुम घर जाने के बाद सबको भूल गए, बोलो नहीं नहीं भूली मैं आप लोगों को, तुम तो नहीं बता पाओगे, तो थोड़ा सा हाय तो कर दो, कैसे हो बोलो, कैसे हो मम्मा बोलो, कैसे हो उनको, ये बहुत अच्छा लगते है, मिचड़ी बोलते है ना जिसको, इसको बस मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी, और 6-7 मिनट बाद बाद आके ना इसको मतलब ढक्कन को उठा के पलट के फिर चले जाऊंगी, और फिर इस साइड हो जाएगा तो साइड हो जाएगा। इस साइड में देखो मेरा चावल का पानी जो है वो भी गर्म हो चुकी है, तो इतना तो नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर हो चुकी है मेरा जो फ़िश करी है वो। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली और ये जो है मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा। फिर डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, कवर करके पूरा रख दूँगी। हाँ, तो ये जो गरम भाप टाइप का आते हैं ना, उससे पूरा फ़िश का जो ग्रेवी है ना और भी टेस्टी बनेगी और भी अच्छा लगेगी खाने में। तो राइस भी इधर हो रहे हैं, तो बस मेरा जो फ़िश करी है वो रेडी हो चुकी है। चलो फाइनल लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को उसके बाद। और क्या, खाना तो बन जाएगा, खाना खाना पड़ेगा उसके बाद। जब तक ना लिटोन आते हैं तब तक तो नहीं खा पाऊँगा, वो आ जाएगा फिर दोनों मिलके खाना खा लेंगे, हो जाएगा। फिश जो है बन चुकी है, चलो दिखाती हूँ फाइनल लुक। और अभी चलो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा बातें करूँगी, बहुत सारा इम्पोर्टेंट बातें है। हाँ, सो फ्रेंड, लंच करके अभी मैं बैठी हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। और बातें जो करूँगी ना, आप लोगों को कुछ बोलना है मुझे, इसीलिए बातें करूँगी। हाँ, तो ये मुझे बहुत सारा कमेंट आया है, इसकी वजह से नहीं है, ऐसे मेरा बहुत सारा जो मुझे प्यार करते हो, जो मुझे चाहते हो, वो लोग भी ऐसे समझोगे कि दीपा आप ऐसे क्यों करते हो। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले जो बताना चाहती हूँ ना, मेरे जेठ और जेठानी जी के बारे में ही बताना चाहती हूँ। बहुत लोग फ्रेंड मुझे कैसे समझ रहे हैं कि मैं अपने घर में जेठ जेठानी जी को रहने नहीं देती हूँ, उन लोगों को आने नहीं देती हूँ, एक कोने पर ही उन लोगों को रख देती हूँ रहने के लिए दो बच्चे के साथ। आप लोग सच्चाई नहीं जानते हो, सच्चाई सुन लो, उसके बाद आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो फ्रेंड, क्या हुआ कि मेरे घर में आप लोग देखोगे कि मेरा जो एक सोफिस है ना वुडन का, आप लोग अगर ब्लॉग नहीं देखे हो तो जाके देख लो, वुडन का जो मेरा एक शोकेस है उसमें जो साड़ी है ना मेरी जिठानी का है। और जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरा जो बेडरूम है ना वो सिर्फ मेरा ही बेडरूम नहीं है, उस घर में मैं जब जाती हूँ तब मैं ही रहती हूँ। और मेरे अलावा उस घर में और भी कोई रहते हैं ना, वो मेरे जेठ और जेठानी जी रहते हैं। और आप लोग बोलते हो बाहर के घरों में उन लोगों को छोड़ दिया, कोई फर्नीचर नहीं दिया, अरे मेरे घर में जितना फर्नीचर है ना उसका ही है। आप लोग प्लीज़ ऐसे मन में भी थोड़ा बहुत डाउट आते हैं ये सारे कमेंट सुन के, मैं कुछ भी मेरा है या उसका है ये समझती नहीं हूँ, मैं तो नहीं समझती हूँ। और मेरा जेठानी जो है ना वो भी बहुत सीधी सादी है, उसको भी ये सारे के बारे में कुछ भी नहीं चलते दिमाग में, हम लोगों के अंदर ही नहीं चलते कि उसके घर में फर्नीचर है मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, ये सारे सब कुछ क्या बोलते हो आप लोग, मैं तो वही सोचती हूँ। मेरा जो अलमीरा है ना उसमें मेरा ही कपड़ा नहीं रहते, उसका भी कपड़ा रहते, उनके बच्चों का भी कपड़ा रहते हैं, सबके कपड़े एक ही साथ रहते हैं। और हम लोग जॉइंट फैमिली है फ्रेंड, पैसा कौन ज़्यादा देते हैं कौन देते नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मुझे तो नहीं लगते है ना। हम सब मिलजुल के रहे, सब एक साथ रहे, अच्छे से रहे, यही तो हम चाहते हैं ना। जब तक मेरे सास ससुर, जब तक कि सास ससुर रहे या ना रहे उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, हम लोग एक जॉइंट फैमिली है, एक साथ रहते एक साथ ही रहेंगे। और मेरे घर में आप लोगों को एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, वो जो घर है ना हमारे साथ राखी तिथि हमारे साथ सोते थे, पता है जिस घर में हम लोग सोते थे ना राखी और तिथि जब हम जाते हैं ना दोनों मिलकर हमारे साथ सोते हैं, मतलब कि एक बेड में हम पांच लोग सोते, पांच लोग ही तो, हाँ राखी तिथि मून में लिटोन, कभी कभी लिटोन उसके मम्मी के पास जाके सोते हैं क्योंकि उन सब लोग मेरे साथ सोना पसंद करते हैं, राखी तिथि कि काकी के साथ सोएंगे, काकी के साथ सोएंगे, तो इसी वजह से चार लोग मिलके एक ही साथ सो जाते हैं। और हमारे अंदर ना ऐसे नहीं रहते कि तुम्हारे घर वो है मेरा घर ये है, इस घर में मत आना उस घर में मत जाना, ऐसे कुछ भी नहीं है ना। मैं कभी मना करती हूँ उनको, नहीं वो कभी मना करते हैं उसके बच्चे को, क्यों मना करेंगे वो तो छोटे हैं। अच्छा, अगर मैं उन लोगों के साथ ऐसे दिखा हुआ प्यार करती ना तो उन लोग मुझे इतना प्यार नहीं करते, एक बच्चे सबसे ज़्यादा समझते हैं। हाँ, अगर एक बच्चे को आप सबके सामने प्यार करोगे और पीछे उसको लात मारोगे तो वो भी आप लोग आपके साथ ना वैसे ही बिहेवियर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपके साथ एकदम अच्छे से पेश आएंगे। आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा राखी और तिथि मेरे साथ कितना अच्छे से रहते हैं। और रही बात मैं उन लोगों को मेरे घर में सोते क्यों नहीं देती, जब मैं जाती हूँ तो उन लोग कहाँ सोएगा। तो फ्रेंड, उन लोगों को मैं बोली थी कि आप लोग इस घर में सो जाओ, आप लोग जिस घर में सोते हो मैं उस घर में जाके सो जाती हूँ, क्योंकि हमें एक ही घर में सब रहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा चोर आते हैं और चोर से कौन नहीं डरता है, बोलो आप लोग भी डरते हो ना। घर में बुजुर्ग दो आदमी है, मेरा सास है ससुर है, और घर में कुछ नहीं है सिवाय कि वो पावर लूम जो है ना उसके डर रहते हैं सबको। फिर भी तो अभी तो उसका खिड़की वगैरह सब कुछ ठीक हो गए है, घर में ना ही कोई पैसा रहते है ना ही कोई गोल्ड रहते, कुछ भी नहीं रहते, फिर भी इतना चोर आते, बताओ
तो अगर सब लोग मिलके इसी घर में रह जाएंगे ना, तो सामने के घर से अगर कुछ चोरी करके लेके चले जाएगा ना, क्योंकि सामने के घर में मैसिंग रहते हैं, वो धागा उठाने वाले मैसिंग रहते हैं, कार रहते हैं, रिटर्न का जो स्कूटर है वो भी उधर रहते हैं, पूजा के घर है, भगवान को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। हमें डर है भगवान को हम अकेला छोड़ देंगे क्या, उसके साथ भी किसी को रहना पड़ते हैं। तो मेरा जेठ जी जो है, जेठ और जेठानी जी उसी घर में इसीलिए रहते हैं, रात को रहते हैं, पूरा दिन वो हमारे साथ इसी घर में रहते हैं, और राखी तिथि पूरा दिन इसी घर में रहते हैं, रात भी इधर ही बिताते हैं, वो मेरे साथ सोते हैं, और जब मैं नहीं रहती हूँ ना, तब मेरे घर में मेरा जेठ जेठानी जी जो है ना वो सोते हैं। आप लोगों को ऐसे तो पब्लिकली तो मैं सब कुछ नहीं बताती हूँ, बट फिर भी ये मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या सोचोगे कि हम लोग इतने बड़े घरों में हैं और उन लोगों को उस घर में ऐसे ही छोड़ दिया। मेरा जेठानी जी का जितना सारा कपड़ा बोलो, डेली यूज़ करने वाला जो भी चीज़ है ना, सब मेरे घर में ही रहते हैं। मेरे घर में क्या, हमारे घर में, वो मेरा भी घर नहीं है, वो हम सभी का घर है। और हम ये नहीं सोचते थे ना गाँव में ना, ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा पर्सनल बेडरूम है, मेरा बेडरूम में किसी को नहीं जाने देंगे, ऐसा कोई नहीं सोचते। ये सिर्फ मेरा ही रूम नहीं, हम सभी का रूम है, घर हम सभी का है। कभी कभी मैं भी मेरे सास ससुर के साथ ही सोती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो मेरे सास ससुर है। पहले तो मैं उन लोगों के साथ ही सोती थी, पर क्या होते है ना कि मेरा सोना बहुत खराब है, हाँ, तो मेरा लात भी कभी कभी लग जाता था मेरी सास को, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगती थी। पर सास बोलते थे क्या तुम तो मेरे बेटे के जैसे हो, तुम्हारा लात लगे तो क्या, पर नहीं मुझे अच्छा नहीं लगती थी, हाँ इसलिए मैं नहीं सोती थी। पर कभी कभी जब जोर जबरदस्ती करते हैं ना राखी तिथि की, काकी चलो हम सब मिलके एक ही साथ सोएंगे, आज एक ही साथ सोएंगे, तो ससुर जी और लीटों जो है उस घर में सो जाते हैं, सास के साथ हम सब मिलके इस घर में सोते हैं। तो आप लोग जिस कन्फ्यूशन था आप लोगों को, उसका शायद मैं सलूशन आप लोगों को दे दिया, मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ भी मैं बताई हूँ कि वो घर सिर्फ मेरा बोलती हूँ, शायद मैं बोल देती हूँ हिंदी ठीक से नहीं आते है तो, पर वो घर सिर्फ मेरा या लिटॉन का सिर्फ ऐसा नहीं है, वो जब तक मेरा ससुर जी है वो मेरा ससुराल है, वो मेरा ससुराल है। मैं हमेशा ब्लॉग में बोलती हूँ ससुराल है, ऐसा तो मैं बोल पाती ना, पति के घर, ये मेरा पति के घर है, पर जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, हाथ पर कर देते हैं, तो तब मुझे बोलना ही पड़ते हैं कि पति का है तो मैं बताऊँगी ना, पति ऐसा है तो ही मैं बताती हूँ ना, अगर पति किसी को देते हैं वो भी मैं नहीं बता पाऊँगी आप लोगों के कमेंट के डर से। अगर किसी को नहीं देता तब भी आप लोग बोलते कि क्या आपके हस्बैंड का तो थोड़ा बहुत कुछ है तो इसको दे तो सकते थे, इसको वो दे तो सकते हैं, आप लोग ही बताते, आप लोग नहीं, मैं सबको नहीं बताऊंगी फ्रेंड, कुछ लोग जो है उन लोग ही बताते। बोलो सब कुछ पब्लिकली नहीं होते हैं, कैमरे के पीछे भी मेरा एक लाइफ है, जो कि मैं ससुराल में इसीलिए आप लोगों के साथ अच्छे से ब्लॉग में शेयर भी नहीं कर पाती थी कि क्यों मैं मेरा एक छोटा सा ब्लॉग के लिए मैं उन लोगों को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ उन लोगों के अंदर। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा जेठानी, मेरा जेठ जी, मेरा सास ससुर मतलब कैमरे के सामने एकदम से भी कंफर्टेबल नहीं है। नहीं तो आप लोग ही बताओ, ससुराल में मेरा कोई काम नहीं था फिर आप लोगों को मैं डेली ब्लॉग तो शेयर कर पाती ना, पर मैं नहीं देती। उन लोग मुझे मना नहीं किया था कि तुम वीडियो मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला था, पर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मैं देख के तो समझती हूँ ना कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी ना मैं ऐसे जोर जबरदस्ती कर लूँगी, तब क्या सोचेगा कि अच्छा तो शायद लिटॉन का घर है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। कौन क्या सोचते हैं ना, हम लोग उसके मन के अंदर जाके कभी नहीं ये कर पाएंगे, पर ऐसे लगते हैं ना कभी कभी। तो कुछ लोग ऐसे बोले थे, मुझे लगा कि ऐसे उन लोगों की कॉमेंट का जो है मुझे रिप्लाई देना चाहिए, और मेरा जो फ्रेंड हो, जो लोग मुझे चाहते हो, वो भी कभी कभी सोचोगे शायद कि दीपा ये तुमने ठीक किया क्या, उन लोगों को ऐसे बाहर रख दिया क्या, तो बाहर नहीं रहते फ्रेंड, ये जो मैं चले आई हूँ ना अभी घर से ही रहेगा, घर पे ही रहेगा, पर उन घरों में एक आदमी को रहना पड़ता है जो कि मेरा जेठ जी रहते हैं उस घर में। तो कभी कभी जेठानी इधर रह जाते हैं तो जेठ जी बाहर ही रह जाते हैं, तो कभी कभी दोनों एक साथ रहते हैं, तो इस घर में बस सास ससुर रहते। इस घर का जो मेरा बड़ा घर है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें खुला कोई जगह नहीं है, दो डोर है जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होते हैं, पर इसीलिए जो है राखी अभी मेरे सास के साथ सोते हैं, क्योंकि राखी थोड़ा सा बड़ी हो गई है ना, तो क्या होते क्या नहीं होते वो तो बोल पाएगा ना, और इसीलिए बाहर भी मेरा जेठ जेठानी जी सोते हैं।
तिथि भी इधर से हो जाते हैं, ऐसे करके हम लोग मिलजुल के मतलब हो जाते हैं सब कुछ। पर मेरा जो जेठ जी है ना, वो कभी इस घर में आते ही नहीं थे, मतलब जब मैं जाती हूँ तब नहीं आते, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि वो शर्माते बहुत ज़्यादा इसके लिए, वो बाहर ही रहते क्योंकि उसका पावर लूम है, वो उसका बिजनेस है उसका, उसको भी डर है ना। और हमारा घर आप लोग देखे हो ना एकदम मतलब कोने की टाइप में है ना, तो कुछ क्या हो जाएगा, और अकेला थोड़ी ना जा पाएगा, वो थोड़ा बहुत डरते भी है, मेरा जेठ जी जो है ना थोड़ा बहुत डरते भी है इसके लिए, नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मेरे सासू माँ जो बोलते हैं ना कि मेरा जेठानी जो है ना वो एकदम से भी नहीं डरते है, वो सीधी सादी तो है पर बहुत एकदम पावरफुल औरत बोल सकते हो, एक मतलब पावरफुल वुमेन बोल सकते हो, मतलब उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत है और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे जेठ जी से वो ये अच्छा है ना, अगर कोई आएगा ना तो वो खुद ही उन लोगों को भगा देगा ऐसा, तो कभी कभी सास बोलते तुम भी जाके सो जाओ उधर, तो ऐसे ही करके हम रहते हैं। तो इसके बारे में मुझे बोलने भी कैसा लगता है ना, तो आप लोग देखे हो ना घर में, उस घर में कोई पूरा दिन रह सकते हैं क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे तो एक मिरर भी नहीं है, तो कैसे रहेगा पूरा दिन। मेरा जिठानी जो है ना हमारे साथ रहते हैं, रात को जाके सो जाते खाना खाने के बाद, बस रात बिता के फिर से सुबह चले आते हैं, ऐसे ही रहते हैं हमारा। आज जब मैं आ चुकी हूँ ना तो इसी घर में रहेगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहे हैं और मून घर पे थोड़ा सा भी नहीं रह रहे थे, उसके पापा आने के बाद ही उसको थोड़ा सा बाहर जाना था, तो मैं किधर भी नहीं जा रही हूँ, मैं मास्क नहीं पहनी हूँ, इसका मतलब सोच लो मैं यहाँ पर ही हूँ, मतलब कि मेरे घर के नीचे एक दुकान है, उधर से मैंने आइसक्रीम लाने के लिए जा रही थी और नीचे बहुत लोग रहते हैं ना, इसके लिए मैंने दुपट्टा ले लिया और कुर्ती भी पहन लिया इसके लिए, और अगर मैं बाहर जाती तो मास्क पहनती। तो चलो बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। गुड नाइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड अभी रात के बज रहे हैं 11 अभी तक बजा है, नहीं बजा है 10:30 बजे हैं। हाँ तो बाहर का कपड़ा सारे मैंने स्टैंड के ऊपर लगा दिया, बहुत सारा कपड़ा है, इतना सारा कपड़ा धोने के बाद भी अभी देखो उसमें जितना सारा कपड़ा है ना वही बचा हुआ है, वो कपड़ा धुलने के बाद पूरा फ्री हो जाऊँगी। डिनर कम्प्लीट हो चुकी है, मून और लिटोन सो भी गए हैं, चलो दिखा देती हूँ एक बार, ये लाइट बंद करती हुआ, ये लाइट अगर चालू रहते ना मून के आंखों के ऊपर फ्लैश होते हैं। छुप छुप वेदर भी कैसे कैसे रहते हैं ना, कलकत्ता में तो अभी हम लोगों को इतना हेवी हेवी ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ रही थी, इतना ठंडी थी कि रात को उठ के खाने का भी मन नहीं करती थी, इतना ज़्यादा ठंडी थी, आप लोग भी देखा ना। और यहाँ पर देखो फैन चालू करना पड़ते हैं और फिर ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ते, मतलब अगर ब्लैंकेट आप ना ओढ़ो तो भी अच्छा है, तो भी ठंडी नहीं लगेगी आप लोगों को, पर थोड़ा बहुत तो ठंडी का भी डर है ना, इसके लिए हम लोग ओढ़ लेते हैं। और मैं शाम के टाइम बाहर गई थी, किसके लिए गई थी ना, क्या हुआ लाइट कट गया क्या, ओह लाइट कट गया, क्या हुआ लाइट कट गया, छोड़ बाद में देखा जाएगा। बोलते हैं ना जब ज़्यादा काम रहते उस दिन ही काम, मतलब सारे के सारे दिख से काम जैसे कि ज़्यादा हो जाते हैं। कल लिटल का बहुत ज़्यादा काम है, आज ही किचन का लाइट को जाने का था, किसी ले गए थे वो तो मैं नहीं दिखाई, वो दिखा देती हूँ उनको, ये देखो मुझे ना ये आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रही थी, पर कोलकाता में भी मिलते हैं ये आइसक्रीम, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो गए थे शाम के टाइम जाके आइसक्रीम लेके आए थे, मुझे बहुत दिनों से आइसक्रीम खाने का मन कर रही थी, बहुत दिनों से हाँ, पर उधर जाके खाने का मन तो किया पर नहीं खा सकते थे ना, सासू माँ ने मना किया था कि तुम जो भी चाहे जो भी खाओ पर ठंडी चीज़ें मत खाओ, आइसक्रीम वगैरह मत खाओ, इसके लिए नहीं खाए थे हाँ, सासू माँ ने मना किया था ना। अच्छा मैं गैस शायद नहीं ऑफ नहीं किया गैस मैंने, रुको हाँ कभी कभी भूल जाती हूँ। तो चलो सारे के सारे काम कंप्लीट हो चुकी है, लाइट बंद कर देती हूँ और जाके सो जाती हूँ,
सो फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग था मैंने यहीं पर एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब में ना बहुत सारा प्रॉब्लम चालू है, इसीलिए ना नोटिफिकेशन सभी को नहीं मिलते तो व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं इसी वजह से। हाँ, क्योंकि यूट्यूब में एनालिटिक्स का कुछ प्रॉब्लम चालू है, जैसे कि ईमेल आते हैं तो उसमें मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, इससे डेली का जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। सो फ्रेंड चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। वेट करना ब्लॉग का, अभी से डेली ब्लॉग जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ।